एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर कल यानी 25 मार्च को रिलीज हो रही है, लेकिन उसकी रिलीज से ठीक पहले कर्नाटका में लोग इस फिल्म को लेकर काफी नाराज हैं और इस वजह से ट्विटर पर एक हैशटैग बॉयकॉट आरआरआर इन कर्नाटका काफी ट्रेंड कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि ये फिल्म कन्नड़ा भाषा में रिलीज नहीं की जा रही है, जबकि कई और भाषाओं में रिलीज हो रही है। और इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि वो एसएस राजामौली के सिनेमा से प्यार करते हैं, एसएस राजामौली से भी प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी भाषा का ये अपमान सहन नहीं हो रहा है। जब बाकी भाषाओं में फिल्म आ सकती है, तो फिर कन्नड़ा वर्जन क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा है? कन्नड़ बोलने वाला कर्नाटक प्रदेश भी एक बहुत बड़ा बाजार है। यहां अगर हम एसएस राजामौली की बात कर लें, तो एसएस राजामौली का करियर 2001 में शुरू हुआ था और 2001 से लेकर 2017 तक उन्होंने 10 फिल्मों का डायरेक्शन किया है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 10 की 10 फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं, जिसमें बाहुबली 1 और बाहुबली 2 भी शामिल है। एक फिल्म के लिए 26 करोड़ रुपए का मेहनताना लेते हैं एसएस राजामौली डायरेक्शन के लिए, और इस समय जो समीकरण बने हुए हैं वो काफी अलग हैं। पहली बात, द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है 11 मार्च को और अभी तक देश के सभी लोग इस फिल्म को देख नहीं पाए हैं, और जैसी की लहर चल रही है हर कोई इस फिल्म को देखना चाहता है। तो एक हद तक मुकाबला द कश्मीर फाइल से भी होगा। दूसरा, इस फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट को लिया है राजमौली ने। इस समय बॉलीवुड को लेकर एक ऐसा माहौल है कि लोग बॉलीवुड के चेहरों को नहीं देखना चाहते हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। अब इस सब के बीच ये कन्नड़ा भाषा में रिलीज ना होने को लेकर जो विरोध हो रहा है, तो ये तीन बातें हैं जो ध्यान में रखनी होगी कि ये तीन तरफ से तीर चल सकते हैं। देखना ये है कि इन सबके बीच क्या आरआरआर दर्शकों का दिल जीत पाती है, क्योंकि बहुत बड़े बजट की फिल्म है और काफी पैसा खर्च हुआ है। कहा जा रहा है कि देश के इतिहास में बनी सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में इसका नाम रखा जाएगा। काफी समय से इसकी चर्चा भी हो रही थी। कैमियो रोल किए हैं अजय देवगन और आलिया भट्ट ने, लेकिन जो मेहनताना है वो काफी काफी बहुत बड़ा है। कैमियो रोल के लिए आलिया भट्ट को 9 करोड़ रुपए देना और अजय देवगन को 25 करोड़ रुपए देना, वो भी कैमियो रोल के लिए, आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म का बजट किस लेवल पर है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये फिल्म अगर चलती है तो इसकी मुनाफे में 30% की हिस्सेदारी एसएस राजामौली की होगी। तो आप मानकर चलिए कि बहुत सारे बड़े बड़े दांव खेले जा रहे हैं। 25 मार्च को आरआरआर सबके सामने होगी। देखना है इतने सारे प्रतिरोधों के बीच किस तरह से ये अपनी जगह बना पाती है।